यस सर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब समझा दो। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों की काल्पनिक कटा से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब कर दे तो तारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को कर दे तो तारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। चलो आगे बता दो, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बोलो। दर्पण सूत्र क्या है? प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी की संबंध को दर्शाता है। दर्पण का सूत्र कहते हैं। हां, दर्पण सूत्र का फार्मूला बोलो। I 1/b + 1/u = 1/a = 1/f। m = फार्मूला बोलो। h 2/h1 और -b / u। चलो बता दो, दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण 3 प्रकार के। तीनों का नाम बोलो। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण अथवा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बोलो तो गोलीय दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तन तथा गोले से गोलीय दर्पण का। कई प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल उत्तल। अवतल का दूसरा नाम? अवतल का दूसरा नाम अभिसारी। और उत्तल का? अपसारी। बता दो, स्पर्श करके समतल अवतल उत्तल का पर कैसे करेगा? जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो, उसे रैखिक बहुपद। गलती है, फिर से बोलो। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद जिस बहुपद में दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलो, द्विघात बहुपद के कितने सुनिया को कर रही है? वर्गीकरण दो आधार पर। कौन कौन? पद के आधार पर, घात के आधार पर। क्या है? अच्छा, बहुपद वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो जो वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। बोलो, अचर बहुपद घात। अचर बहुपद का घात जीरो। चलो, शून्य बहुपद का? शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित। चलिए बता दीजिए आगे, पहली संख्या का फॉर्मूला बोलिए। पहली संख्या मासा गुणे लासा बटा दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या बराबर? दूसरी मासा गुणे लासा बटा पहली संख्या। पाई के बारे में समझा दो। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का सन्निकटमान पाई बटा सहज डिग्री के कोण के रूप में 180 डिग्री होता है। कोण के रूप में 180 डिग्री के रूप में 180 डिग्री होता है। कोण के रूप में 180 डिग्री होता है। अब चार अंकों तक आर्य भट्ट ने कोण किया था। लाखों तक श्रीनिवास रमन ने किया था। तो पाई से रूट घटा गुना भाग करने पर अपरिमेय संख्या आता है। रूट से बाहर निकल गया था अपरिमेय संख्या। और नहीं निकला था अपरिमेय संख्या। बोल दो, दशमलव के बाद डॉट ग्रुप में रिपीट नहीं कर रहा था, परी में किया? परी में। परी में रिपीट नहीं करेगा था? रिपीट नहीं करेगा तो अपरी में। रिपीट करेगा था? परी में। शांत के लिए कंडीशन लो, शांत का बोलेंगे। जिसका हर में 2 और 5 रहे तो शांत है। अशांत 2 और 5 के अलावा कोई भी रहे तो अशांत। सावाज का मौसा बोलो। सावाज मौसा एक।
बोलो आवाज कहाँ शुरू होगा? आवाज दो से। और भाज? भाज चार से। सबसे छोटी विषम भाज बोलो। सबसे छोटी विषम भाज नौ। और विषम आवाज के कैसे छोटा? सबसे छोटा विषम आवाज आवाज तीन। सम संख्या क्या है? सम संख्या उसी संख्या जो दो से विभाजित हो अथवा दो से पूरा पूरी कर उसे सम संख्या कहते हैं। कहाँ शुरू होगा? दो। दो लगातार सम से कम होगा सर? दो। विषम संख्या का एक। चलो आप बता दो पूर्ण से कहाँ शुरू होगा? पूर्ण संख्या जीरो से। प्राकृत संख्या एक से। सात छोटी प्राकृत संख्या एक। आप बता दो सम का मान करो। बोलो सम का मान टू पी प्लस टू। विषम का पी प्लस वन। बोलो वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या? परिमेय और अपरिमेय। आगे बता देगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या? दो परिमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला बोलो। a बराबर b क्यूब प्लस r। किससे भागा देंगे? a से। जोरो ने बोलो भागा किससे देंगे? भागा किससे देंगे? b। किस में? a में। कई बार में? क्यूब आता है। कितना से चल बचेगा? आर आर। अच्छा जिसमें भाग देंगे उसे क्या बोलेंगे? जिसमें भाग भाजक। भाजक सोच के बोलो गलती है। भाज भाज जिससे भाग देंगे? भाजक। जितना भाग देंगे? भाज भाग। जितना भागेगा? शेष भाग। शेष भाग। चलो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रमाण किसने दिया था? गॉस मौजूद थे ना जी? ऐसा बोले थे कौन जी? कोई भी रहेगा भाज्य संख्या उसको हम लिख सकते हैं किसके रूप में? परिमेय। आवाज के रूप में ना? तू लोग भी नहीं आवाज करता कि हाँ मेरी आवाज करता। गुड डे। कौन बोले सर? संख्या एक से। आम कहाँ शुरू होगा? जीरो से। आम कहाँ तक जाएगा? दस। आम तक जाएगा दस तक। अनंत तक जाएगा। सहअभाज्य संख्या में कौन संख्या रहेगी? सहअभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और जुड़वा अभाज्य संख्या में? जुड़वा अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। एक और लास्ट पूछ रहे हैं एकदम लास्ट। बोल दो अवतल दर्पण उत्तल में अंतर समझा दो। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उसी होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र की ओर होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र की विपरीत ओर होती है। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अवसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंतरी भाग पॉलिश हो रहा थी। उत्तल दर्पण की भीतरी भाग पॉलिश हो रहा थी। चलो बढ़िया समझाया।